नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में स्थित एक कार के शोरूम का ताला तोड़कर चोर 8,19,000 रुपए कैश चोरी कर ले गया। सुबह जब कर्मचारी शोरूम पर पहुंचे तो शटर पर लगे ताले टूटे मिले। इतना ही नहीं, केशियर और कार्यालय की सभी टेबल की दराजें उखड़ी मिली। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बावल रोड स्थित डेंको फोर व्हील शोरूम के GM BMG एलिगेंट सिटी निवासी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सुबह जब कर्मचारी शोरूम पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। केशियर और अन्य कार्यालयों की टेबल के दराज उखड़ी हुई थी और उसमें से नकदी गायब थी। जांच करने पर शोरूम के मालिक के ऑफिस के भी ताले टूटे हुए मिले। चोर केशियर के कार्यालय से 19,155 रुपए और शोरूम मालिक के ऑफिस से 8,00,000 रुपए चोरी कर ले गया। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना शोरूम मालिक और अन्य अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर मॉडल टाउन थाना पुलिस भी शोरूम पहुंची। शोरूम में लगे CCTV की जांच की तो एक युवक चोरी करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में ली है। CCTV के आधार पर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने GM की शिकायत पर चोरी का केस भी दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। चोरी का क्या पूरा मामला है? सर, ये बीती रात को हमारे यहाँ पे घटना हुई है जिसमें कि 8,19,000 के आसपास में चोरी हुई है। सर, नगद गया है कोई सामान? नगद गया है ये सर। तो पुलिस में कंप्लेंट कर दिया आपने? पुलिस में हमने इसकी FIR कंप्लेंट कर चुके हैं सर। आपको कब पता चला चोरी का? चोरी का हमें सुबह, जब हम सुबह ड्यूटी पर आए हैं तब हमने आके देखा, तब हमें इसका मामले का पता लगा। तो चौकीदार वगैरह कोई नहीं रहता है? चौकीदार वगैरह नाइट में रहता है, चौकीदार बाहर में रहते हैं और वो अपने रहते हैं, गार्ड्स वगैरह दो गार्ड्स रहते हैं। फुटेज में आपने देखा होगा कितने लोग थे? सर, फुटेज में तो हमें जो नजर आया वो एक ही बंदा नजर आया था जिसकी हमने फुटेज वगैरह थाने में दी हुई है सर, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।